भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैठा दिया गया है। ये लोग कहां जाएंगे? एक गुप्त बैठक हुई थी पारा टीचरों के साथ में। पारा टीचर बहुत जवाबदेही के साथ हमको बोले थे कि सर कहां जाएंगे हम लोग, जो हम मिलता था मेरा बेटा बेटी को क्या खिलाएंगे। मैंने कहा निश्चित तौर पर जीत होगी और हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी गठबंधन की। अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो मैं आपकी बात को पहले उनके पास रखूंगा और जरूरत पड़ेगा आपकी बात को मैं रखूंगा और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम हेमंत सोरेन का उम्र में छोटे हैं, जरूरत पड़ेगा आपके लिए मैं उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हूं। आज बहुत सारी लोगों की उम्मीदें हैं और बार बार हेमंत सोरेन इस बात को दोहराते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखेगा, मुस्कान दिखेगा। पांच साल के अंदर में जो गरीब लोगों ने झेला है आने वाले समय में हर गरीब के चेहरे में मुस्कान दिखेगा। आज हर गरीब खुश है, हर गरीब खुश है और दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य यही है कि झारखंड इतना रिचेस्ट सबसे धनी प्रदेश, धनी राज्य है लेकिन यहां के लोग कंगाल। आज यहां पर खजाना खत्म है, सरकारी खजाना खत्म है और ऐसा स्थिति में अभी बागडोर संभाला है हमारे माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर भी विचलित नहीं हुए हैं। थोड़ा समय तो लगेगा। ये गजब गजब का काम, एक शिक्षण संस्थान को बंद करने का काम इन्होंने किया। अरे जिस उद्देश्य से स्कूल बना था कि गरीब बच्चे वहां जाएंगे, नजदीक गांव में जाएंगे, नजदीक स्कूल में जाएंगे, लेकिन ये सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया, विलय कर दिया। क्या समझ रखा है, आखिर क्या समझा जा सकता है? तो आज निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं। आज हेमंत सोरेन ने पारा टीचरों के लिए जितना बकाया भुगतान का आदेश उन्होंने दिया, भुगतान होगा। उसके साथ साथ हमने विधानसभा के अंदर में पूरा तैयारी के साथ हम गए थे। जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदया का अभिभाषण चला था और उस किताब को लेकर के हम गए थे, उसी पर हमको भाषण देना था। यहां के एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और यहां के बेरोजगारों को नौकरी और यहां के पारा टीचर आंगनवाड़ी का सारा चीज उसमें उद्धृत था। मैं पूरी तैयारी के साथ गया था और बड़ा शालीनता के साथ विधानसभा में इसको उठाने का काम किया था। लेकिन ये आदत से लाचार लोग हमको बोलने नहीं दिया, फिर भी हमें डांटते हुए, जबकि नहीं होना चाहिए था विधानसभा के अंदर में। अरे आप एक जनप्रतिनिधि हैं और इस राज्य का उस पंचायत में आप बैठे हैं, शालीनता के साथ हमारी बातों को उन्होंने सुनना चाहिए कि आपने क्या किया आज तक पांच साल के अंदर में। यही कहकर कि डबल इंजन की सरकार है और यहां के लोग ने विकास का काम होगा। बहुत तैयारी के साथ मैं गया था लेकिन इतना डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में, इतना डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया। जो मेरा वक्त था बोलने का, समय बेकार पार चला गया।
तो फिर भी वक्त आएगा, आप खास करके इस कॉलेज के लिए आप लोग बेफिक्री रहिए, आप लोगों को जितना फिक्र है उससे ज्यादा लोग इन हम लोग को फिक्र है। और मैं चाहता हूं ऊपर वाले से भी मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस देश में इस जमीन पर रहने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, कभी ना कभी जाना ही जाना है। मैं अपना जीते जिंदगी कम से कम इस कॉलेज को मैं देख सकता हूं। यहां तक हमने कहा था कि भाई बहुत प्रयास सबों का रहा है, इतना बड़ा चौहद्दी शायद किसी कॉलेज में नहीं, कभी न कभी जब धरती से चले जाएंगे हमारी सांस बंद हो जाएगी, इस कॉलेज के एक कोना में मेरे लिए जगह सुरक्षित रख देना, ताकि ये आत्मा को शांति मिले बाद में कि आज हमारी आत्मा इस कॉलेज के अगल बगल में है, कम से कम ये देखे कि आज शिक्षण संस्था में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज मैं हर जगह बोला हूं जहां जहां मौका मिला है जीतने के बाद, मैंने ये भी कहा है अगर जो व्यक्ति 20 तारीख को वोटिंग के दिन में आपने अपना दिल में जगह लोबिन हेम्ब्रम को नहीं दिया, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम एक ऐसा शख्स है कि 5 साल तक वैसे लोगों को भी हम दिल में बसा के रखेंगे। और ये भी जान लेना लोबिन हेम्ब्रम नाता है, काला है, लेकिन काले हैं तो क्या हुआ हम दिल वाले हैं। बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा इस जिंदगी, बहुत उतार चढ़ाव देखा है और गरीबी भी हम लोगों ने झेला है, बहुत गरीबी झेला है। शायद ही कोई ऐसा एमएलए होगा जो दोनों भाई घर पर चौका देते काटा, लेकिन हम दोनों आदमी, मेरा पत्नी और मैं, चौका मिट्टी भी हम लोगों ने काटा है। 3 टका चौका मिलता था संविधान, और रात में खाने के लिए नहीं था, कभी घाघरा सीझा के रात में खाके सोते थे। तो जिस गरीबी से हम जूझ के आए हैं उस गरीबी को हम भूल नहीं सकते, और इस बात को बोलने में कोई लाज और शर्म भी नहीं है। इसलिए सरकार बनी है और यह सरकार आपने बनाया कि जहां पर वोट किया तीन सरकार बोल बनाए और बोल नुआ बोल मेरे थे नियत और दो हेमंत सोरेन सरकार बना हुई कही सरकार बिना, और इस सरकार से सबको उम्मीद है नुआ सरकार है जो तुम्हारा भरोसा बिना। आज मैं आया लेट से, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। इतने सारे लोग सुबह से जब हम सूत के उठे हैं 5:30 बजे से, इतने लोग वहां पहुंचे हुए थे, आप किसके साथ बात न करोगे, किसके साथ बात नहीं करते। आज लोगों की उम्मीद है, आशा विश्वास कहता है। बहुत लोगों ने कहा कि दादा 5 साल तो हम लोगों को लगता था कि हमारा कोई माए बाप नहीं है, अब हम लोग कहते हैं कि हमारा कहीं न कहीं लोबिन हेम्ब्रम हमारा है। और सबों का काम, लेकिन सामूहिक काम जो होगा निश्चित तौर पर किसी का हो सकता है अपना पर्सनली होगा नहीं होगा, फिर भी हम उसके लिए ही प्रयास करेंगे, उसके लिए ही प्रयास करेंगे। लेकिन यहां जितने उपस्थित हैं, आपके पास पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में जो भी लोग हैं, आप अपने स्तर से भी मैट्रिक पास करके यहां को बच्चे को लाने का काम करिए। और जितने कॉलेजेज हैं सारे कॉलेज से इस कॉलेज का फीस कम है, तो और एक जगह भी प्रोग्राम है, हमें वहां भी जाना है। और पुनः पूरा उम्मीद है, पूरा आशा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। काम तो बहुत करना है, लेकिन खास करके इस कॉलेज का नींव हमने कोड़ा था, इस कॉलेज को हम सरकारी बंद कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, जोहार, आदाब, जय हिंद, जय जाकर।